और केंद्रीय कर्मचारियों को आज कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार का क्या है बड़ा ऐलान, गौ रक्षकों के समर्थन में आज कहां होगी हिंदू पंचायत, हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर क्यों दर्ज किया केस, देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए भारतवर्ष टॉप नाइन। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे 4% बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के 4 साल पूरे होने पर 24 फरवरी को बीजेपी नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी। सभी जिलों में किसान सम्मेलन और सभाएं आयोजित कर किसानों से बातचीत की जाएगी। 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। भिवानी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस के गौरक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने मेवात के हथीन गांव में हिंदू महापंचायत बुलाई है। वीएचपी ने कहा, भिवानी हत्याकांड में गौरक्षकों को फर्जी फंसाया गया है, हम पूरे मामले की सीबीआई से जांच चाहते हैं। हथियार लहराने और धमकी देने के मामले में छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर मुकदमा दर्ज होने पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच करे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम कतई गलत के साथ नहीं है, शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। दिल्ली के महापौर को चुनने के लिए पिछले 2.5 महीने से चल रही खींचतान आज खत्म हो सकती है। मेयर को चुनने के लिए आज फिर सदन की 4थी बार बैठक बुलाई गई है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। निर्वाचन मंडल में 250 पार्षद, 10 सांसद और 14 विधायक शामिल है। शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलने के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 3:30 बजे उद्धव की अर्जी पर सुनवाई शुरू होगी। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित किया था। मुंबई पर शिवसेना भवन पर कब्जे की खबर के बाद शिंदे गुट ने बड़ा ऐलान किया है। उदय सामंत ने कहा कि हमें कोई संपत्ति का लालच नहीं है, न किसी के प्रॉपर्टी कार्यालय पर दावा ठोक रहे हैं, हमारे लिए बाला साहब के विचार ही संपत्ति है। गेहूं के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख टन गेहूं और बाजार में बेचने का ऐलान किया। इसको मिलाकर अब 50 लाख टन गेहूं बाजार में बेचा जाएगा। सरकार ने नीलामी में बेचे जाने वाले गेहूं की कीमत भी 200 रुपए घटा दी है।